नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों को अब बनाया जाएगा प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल। आने वाले 48 घंटे बारिश वज्रपात के लिहाज से होंगे भारी। बिहार सरकार ने मंत्रियों के क्षेत्रीय भ्रमण पर से हटाई रोक। बीएड में विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की आज है अंतिम तारीख। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों को अब बनाया जाएगा प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल। बिहार में प्ले स्कूल की तर्ज पर ही अब राज्य के सभी 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को तैयार किया जाएगा। इसके तहत इन आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों की तरह ही खेल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत ही इन केंद्रों को प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल की मान्यता दी जा रही है, जहां पर बच्चों को गीत, कविताओं और कहानियों के आधार पर पढ़ाया जाएगा। इसके लिए नीतीश सरकार अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी भी कर रही है, जिसके बाद इन कार्यकर्ताओं का टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में पास होने वाली सेविकाओं को प्री नर्सरी व नर्सरी स्कूल चलाने की इजाजत दी जाएगी। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद से आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी पदोन्नति दी जाएगी। अब दरभंगा से हवाई सफर के जरिए विदेश जाने का सपना होगा साकार। राज्य के दरभंगा जिले में बीते साल ही नवंबर महीने में दरभंगा एयरपोर्ट पर विमान सेवा की शुरुआत की गई थी। महज कुछ ही दिनों में एयरपोर्ट प्रबंधन के द्वारा जहां एक तरफ स्पाइस जेट के बाद देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो से भी हवाई सेवा की शुरुआत हो गई, तो वहीं अब दरभंगा से विदेश जाने का सपना भी पूरा होने वाला है। दरअसल 5 जुलाई को दरभंगा से दुबई के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट शुरू होने की पूरी प्रक्रिया जताई जा रही है। बता दें कि हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस ने दरभंगा से हैदराबाद और कोलकाता के लिए अपनी सीधी उड़ानों की शुरुआत की थी। इस क्रम में अब कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से लोग पहले दरभंगा से हैदराबाद जाएंगे और वहां से विमान बदलकर दुबई के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि मिथिला क्षेत्र के कई लोग दुबई जैसे शहरों में कमाने के उद्देश्य से जाते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए इंडिगो एयरलाइंस दरभंगा से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से सीधे दुबई तक के लिए उड़ान भरकर यात्री को पहुंचाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई को यह उड़ान दरभंगा से शुरू होगी। आने वाले 48 घंटे बारिश वज्रपात के लिहाज से होंगे भारी। बिहार में मानसून आने में 2-3 दिन ही शेष रह चुके हैं, लेकिन इससे पहले राज्य में तेज हवा के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका बन गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने राज्य भर में येलो अलर्ट जारी किया है। IMD से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सिस्टम बनने के कारण मानसून से पहले तेज बारिश होने वाली है। वहीं विभाग के मुताबिक चक्रवाती सिस्टम बनने के कारण मानसूनी हवा बिहार की तरफ तेजी से बढ़ रही है। बारिश होने की वजह से तापमान में भी कमी दर्ज की गई। वहीं बीते दिन पटना में तापमान करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है, जबकि भागलपुर में 4 डिग्री की कमी हुई है। हालांकि हवा में आर्द्रता की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है। बिहार सरकार ने मंत्रियों के क्षेत्रीय भ्रमण पर से हटाई रोक। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में सुधार आने के बाद से ही अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू की गई है। इसके तहत कुछ चीजों पर पाबंदी लगाकर लगभग सभी चीजों को फिर से बहाल कर दिया गया है। वहीं अब सरकार ने मंत्रियों के क्षेत्रीय भ्रमण पर से भी रोक हटा ली है। दरअसल राज्य में लॉकडाउन होने के कारण 23 मई को सरकार ने सभी मंत्रियों के अपने क्षेत्र में जाने और घूमने पर पाबंदी लगाई थी। इसकी जगह वर्चुअल तरीके से लोगों की समस्याओं को सुनने का आदेश दिया गया था, मगर अब सरकार ने उस रोक को हटा लिया है, जिसके बाद अब मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्रों में घूमकर लोगों की समस्याओं को सुन सकते हैं। पटना जिला प्रशासन सालों से तैनात कर्मियों का करेगा तबादला। राजधानी पटना में पोस्टिंग पाकर नौकरी करना अक्सर सरकारी जॉब वालों की पहली पसंद होती है। ऐसे में कई बार साठगांठ के जरिए भी कई कर्मी लंबे समय तक पटना में ही पोस्टिंग का फायदा लेते रहते हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने लंबे समय से तैनात कर्मियों का ट्रांसफर करने की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत अब जिला प्रशासन ने 400 ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया है जो कि एक कार्यालय में 3 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रखंड, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तरीय कार्यालय में जो भी कर्मचारी तैनात है उनकी सूची तैयार की जा रही है, जिसके बाद लिस्ट तैयार करने के बाद जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा, जिसके बाद ही उनके ट्रांसफर पर मुहर लग जाएगी। इसके अलावा पिछले 8 सालों से एक ही अंचल में काम कर रहे 9 नाजिर की भी जानकारी मिली है, जिनका भी स्थानांतरण किया जाना है। शिक्षकों के प्रमाण पत्र फोल्डर को अपलोड करने के लिए आज शाम तक है अंतिम मौका। बिहार में पंचायती राज और नगर निकाय संस्थान की नियोजन इकाइयों के तहत वैसे शिक्षक जिनका नियोजन साल 2006 से लेकर 2015 के बीच हुआ, उनके सर्टिफिकेट की जांच कराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, जिसके बाद से ही विभाग ने ऐसे शिक्षकों को प्रमाण पत्र को वेबसाइट पर अपलोड कराने का आदेश दिया था। लेकिन अब तक भी 6 जिलों के करीब 23,000 शिक्षकों ने अपना प्रमाण पत्र फोल्डर अपलोड नहीं किया है, जिसे लेकर विभाग ने सख्त हिदायत देते हुए आज शाम तक की मोहलत दी है। इसके
इसके तहत अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि गुरुवार की शाम तक ऐसे सभी बचे हुए शिक्षक अपने प्रमाण पत्र सूची को अपलोड कर दे। ऐसे शिक्षकों की सर्टिफिकेट को NIC की वेबसाइट पर अपलोड करना है। वहीं विभाग ने सभी जिलों के DPO और DEO को भी यह आदेश दिया है कि जो शिक्षक सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं उनकी अलग से लिस्ट तैयार की जाए। जानकारी के मुताबिक अब तक मुजफ्फरपुर, सुपौल, भोजपुर, कटिहार और अररिया जिलों के 23,000 शिक्षकों ने अपने सर्टिफिकेट को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। खराब मौसम से लीची की फसल हुई बर्बाद। मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में लीची उत्पादक किसान इस बार कोरोना महामारी के साथ ही साथ बारिश का दंश झेल रहे हैं। दरअसल बिन मौसम बारिश और तूफान के कारण मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में चाइना लीची की फसल बर्बाद हो गई है। फसलों में कीड़े लग गए हैं जिस कारण किसान और व्यापारियों की मुसीबत और भी बढ़ गई है। जिले के लगभग 6,000 हेक्टेयर में लगी चाइना लीची में अत्यधिक नमी के कारण कीड़े लगने की समस्या आ रही है, जिस वजह से लीची पकने के बाद भी स्वाद की गुणवत्ता खराब हो गई है और बाजारों में इसके लिए अच्छी कीमत नहीं मिल पा रही है, जिसका खामियाजा लीची किसानों व व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में लीची के कारोबार से जुड़े व्यापारी अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लीची को जिले से दूसरे राज्यों में भेजने के लिए कई तरह के टैक्स वसूले जा रहे हैं, जिससे उन्हें मुश्किलें आ रही हैं। बीएड में विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की आज है अंतिम तारीख। बिहार के सभी बीएड कॉलेजों में सत्र 2021-23 में नामांकन को लेकर विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने के लिए आज अंतिम मौका है। इससे पहले 6 जून तक करीब 1.35 लाख आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किया था। वहीं उसके बाद विलंब शुल्क के साथ करीब 6,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। वहीं इस संबंध में राज्य नोडल पदाधिकारी ने बताया कि आज आवेदन को एडिट करने और फीस भुगतान के लिए अंतिम मौका दिया गया है, जिसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा को आयोजित करने की तैयारियां शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इस बार राज्य में 33,000 सीटों पर बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इसके तहत 11 जुलाई को बीएड की प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित की गई है। वहीं 1 जुलाई को अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। सुशील मोदी ने लालू यादव को कोरोना वैक्सीन लेने की दी नसीहत। इन दिनों लालू परिवार और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के बीच वार तकरार ट्विटर पर देखने को मिलती रहती है। एक दूसरे पर तंज कसने का दोनों ही तरफ से कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इस क्रम में अब सुशील मोदी ने RJD सुप्रीमो को उनके जन्मदिन पर कोरोना वैक्सीन लेने की नसीहत दी है। दरअसल 11 जून शुक्रवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। इसी को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि अगर पीएम मोदी की बात नहीं मान सकते तो कम से कम अपने समधी मुलायम सिंह यादव व अखिलेश से ही सीख लेकर वैक्सीन का विरोध छोड़ दे और पत्नी राबड़ी देवी के साथ अपने जन्मदिन के अवसर पर कोरोना वैक्सीन ले ले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लालू परिवार के 18 वर्ष की उम्र के ऊपर के सभी सदस्यों को वैक्सीन लेकर उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल देनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि लालू परिवार लोगों को भ्रम फैलाकर लोगों के बीच गलत संदेश दे रहे हैं, इसलिए उनके किसी भी विधायक ने अभी तक सार्वजनिक रूप से वैक्सीन तक नहीं ली है। मुकेश सहनी कर रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी दांव पेच लगाने में भिड़ चुकी हैं। इस बीच बिहार सरकार में मंत्री और VIP पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष मुकेश सहनी भी उत्तर प्रदेश में अपने पांव जमाने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में उन्होंने यूपी चुनाव में कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही है। उन्होंने कहा कि यूपी में करीब 150 सीटों पर निषाद समाज का प्रभाव है, जहां पर उम्मीदवार की जीत या हार का फैसला वही करते हैं, इसलिए इन सीटों पर वे अपनी प्राथमिकता बनाए रखेंगे। वहीं सहनी ने यह भी कहा कि NDA में रहकर लड़ने या ना लड़ने का फैसला भी वे जल्द ही करेंगे। पटना में कूड़ा जलाना पड़ेगा महंगा। अक्सर बिहार में लोग कूड़े को जलाते नजर आए हैं, लेकिन अब कूड़ा जलाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिहार में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत राजधानी पटना में बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब कूड़ा कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी उनसे वसूला जाएगा। कूड़ा जलाने पर अब 5,000 से लेकर 25,000 तक का जुर्माने का प्रावधान बना दिया गया है। इस राशि को जिला प्रशासन वसूल करेगी। आज का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में है बेहद खास। 10 जून यानी कि आज का दिन भारतीय क्रिकेट जगत में बेहद ही स्वर्णिम माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1986 में भारतीय टीम ने वह कर दिखाया था जिसका इंतजार क्रिकेट फैंस करीब आधी सदी से करते आ रहे थे। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच साल 1932 में टेस्ट क्रिकेट का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें भारतीय टीम को हार मिली थी। वहीं साल 1947 में भारत के आजाद होने के बाद एक अलग भारतीय टीम बनी, जिसके बाद साल 1986 में कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड की को उसी के घर में टेस्ट मैच में हराया, बल्कि इस सीरीज में भारत ने जीत भी हासिल की, जिसका इंतजार भारतीय टीम को 54 सालों से था। इस सीरीज को ऐतिहासिक सीरीज का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर भारतीय टीम की यह पहली टेस्ट सीरीज जीत थी, जिसकी चर्चा आज भी खिलाड़ियों और उनके फैंस में जिंदा है।
मंगल पांडे ने टीका एक्सप्रेस चलाने के मामले में बिहार को बताया नंबर वन। बिहार में भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई, बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोविड 19 की दूसरी लहर में बिहार को विजय प्राप्ति पर बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि राज्यवासियों के सहजता एवं सुलभता के लिए राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए 839 टीका एक्सप्रेस चलाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को टीकाकृत किया जा सके। इस तरह से चलंत वाहन द्वारा टीकाकृत कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य है जहां इतनी बड़ी संख्या में चलंत टीका एक्सप्रेस चलाया जा रहा है। देशभर में 24 घंटे में कोरोना से मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा आया सामने। देशभर में तीसरे दिन लगातार 1,00,000 से कम संक्रमण के मामले सामने आए हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में एक दिन में मौतों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94,052 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 6,148 की संख्या में लोगों की जान चली गई। वहीं इस दौरान 1,51,367 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देशभर में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,67,952 हो चुकी है। मैं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान 589 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1,114 लोग रिकवर भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या राज्य में 7,353 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट 97.65% हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि कोरोना के मामले को कम देखते हुए बिहार सरकार द्वारा मंत्रियों के क्षेत्रीय भ्रमण पर से रोक हटाने का फैसला सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।